वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। चक्रवाती तूफान तालते ने पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में तबाही मचाई है, वहीं समंदर में भी इसका खौफ देखने को मिला है। तालते के चलते सोमवार शाम से ही समंदर में कई बजरे और जहाज फंसे रह गए। इनमें से कईयों पर सवार लोगों को अब तक बचाया जा चुका है, लेकिन भारतीय नौसेना का ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। नेवी के अधिकारियों ने इस अभियान के दौरान की चुनौतियों के बारे में बताते हुए कहा कि हमें दूसरे की जान बचानी थी, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना था कि हमारी जान भी बची रहे। तावते के चलते एक बाजरा P-305 डूब गया, वहीं दूसरा गॉल कंस्ट्रक्टर भी तूफान में फंस गया। ये दोनों सोमवार की शाम को तूफानी हवाओं में किनारे से बह गए थे। जब नेवी को इसकी जानकारी लगी और हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया गया, तो नेवी के युद्धपोत तुरंत बचाव अभियान के लिए निकल गए। कमोडोर M.K. झा ने मीडिया को बताया कि तूफान की आंख मुंबई के ठीक पश्चिम में थी, हमने चिंता नहीं की और तुरंत हमारी शिप निकल गई। बता दें कि M.K. झा नेवी के वेस्टर्न नोवल कमांड के ऑपरेशन कमांडर हैं और वो नेवी कोस्ट गार्ड ONGC और दूसरे जहाजों की ओर से चलाए जा रहे ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस आई हैव सीन इन द लास्ट 4 decades। एज वी स्पीक, 4 ऑफ आवर इंडियन नेवी शिप्स आर ऑन साइट, दैट इज INS Kochi, INS Kolkata, INS Talwar एंड INS Betwa। फॉर द लास्ट 20 hours दीज यूनिट्स हैव बीन बैटलिंग टू सर्च and rescue as many people as they can through the dark night and challenging weather conditions. This morning at sunrise, a PHI aircraft from INS Rajali was on task to augment the search effort. So also a Seeking 42 Bravo and a Seeking 42 Charlie from INS Shikra at Mumbai joined the effort, and they had some very good successes. The main operation pertains to searching and rescuing 261 people from the AFCON's barge P-305, which sank about 60 kilometers away from Mumbai at 1900 hours yesterday, that is on the 17th of May in the evening. ऑपरेशन के लिए मंगलवार को INS Kochi और कोलकाता के साथ तीन नौसेना जहाज INS Vish, Betwa और तेज जुड़ गए हैं। इसके अलावा P-81 और नौसेना हेलीकॉप्टर हवाई खोज के लिए तैनात है। सूत्रों के अनुसार जिन लोगों को अब तक बचाया गया है वो लाइफ जैकेट में थे और पानी में कई घंटों तक तैर रहे थे। ऐसे में लापता लोगों के भी लाइफ जैकेट में होने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि 707 कर्मियों को ले जा रहे 3 बजरे और 1 ऑयल रिंग सोमवार को समुद्र में फंस गए थे। इनमें 273 लोगों को ले जा रहा P-305 बाजरा, 137 कर्मियों को ले जा रहा GAL कंस्ट्रक्टर और SS-3 बाजरा शामिल है, जिसमें 196 कर्मी मौजूद थे। साथ ही सागर भूषण और ऑयल रिंग भी समुद्र में फंस गया था, जिसमें 101 कर्मी मौजूद थे। अधिकारियों के अनुसार GAL कंस्ट्रक्शन में मौजूद 137 और P-305 से 177 लोगों को बचा लिया गया है, बाकी लोगों के अभी भी फंसे होने की खबर है। तो ये था नेवी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देर दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।